मैं भी आपको ज्वाइन नहीं करा सकती। तो मैं फिर अगले दिन गया तो वहाँ उस दिन मैडम मिली नहीं मुझे। फिर मैं जब अगले दिन फिर गया तो मैडम ने मुझे देखा और कहा कि तुम फिर आ गए और तुम लोगों के दिमाग प्रधानमंत्री ने ज़्यादा ख़राब कर रखे हैं। CMO साहब को भी कोई और बंदा नहीं मिला, जो SC कास्ट वाले को मेरे पास भेज दिया गया। इसके बारे में फिर मुझसे मैडम ने तुरंत ही अफसर भी ये कहे, तो मैं उसके बाद उन्होंने फ़ोन निकाला और मुझसे तुरंत जाने के लिए वहाँ से उन्होंने कह दिया। मैं वहाँ से जाने के बाद अगले दिन मैंने वहाँ CMO साहब को बताया कि सर मेरे साथ वहाँ बदतमीजी हुई है। एक्चुअली अमन माथुर का जो ट्रांसफ़र है रामकिशोर यादव के बदले यहाँ किया गया था, क्योंकि हम लोगों का एक प्रोग्राम चल रहा है TV के लिए ACF, उस टाइम पर वो चल रहा था। तो उसमें क्योंकि नॉन एरिया जिसका देखा हुआ हो वही काम कर सकता था, तो इसीलिए CMO सर और DTO सर के आदेश बात हुई थी जो फ़ोन पे, उसके बिहाफ पे हम लोगों ने उसको ये गाइड किया था कि अब जब तक ये प्रोग्राम चलेगा, यूजली वो 10 दिन तक का प्रोग्राम होता है, अब 10 दिन तक DTO ऑफिस में काम कर लें और चाहें तो यहाँ पे भी काम कर सकते हैं ज्वाइनिंग के बिना, आप सीख लें एरिया वगैरह देख लें, प्रोग्राम जैसे ही ख़त्म हो जाएगा आपको वापस यहाँ पर ज्वाइन करवा लिया जाएगा। अब उस वक्त तो वो चले गए, उसके बाद उन्होंने ये सब थोड़ा सा प्रेशराइज किया तो CMO सर DTO सर ने भी इसके लिए उसको मना कर दिया था कि आप ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर वो एक दिन आके काफ़ी थोड़ा बदतमीजी मुझसे मिला के गया है कि आपको मैं देख लूँगा, और काफ़ी अपशब्द उसने बोले जो कि एक महिला से भी और अधिकारी से भी नहीं बोलने चाहिए थे उसको। उसके बाद मैंने उसकी कंप्लेन की है। अब उसके बाद उसने क्या किया, ये सब झूठ जो भी वो कर रहा है। श्री अमन माथुर हमारे यहाँ संविदा पर TBHV हैं, उनको उनके अनुरोध पर, निरंतर अनुरोध पर उनका स्थानांतरण जगतपुर किया गया था। उस समय ACF अभियान चल रहा था, तो वहाँ की जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी थी उन्होंने कहा कि ACF अभियान के पूरा होने तक इनको मैं कार्यमुक्त नहीं कर सकती हूँ, जो वहाँ पूर्व में कार्यरत थे दूसरे TBHV। तो इस बात पर उन लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ जिसके कारण ये समस्या आई है, तो इस विवाद की जांच मैं कर रहा हूँ।